गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और वो है ये मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल। और इसको मैं बहुत दिन से परचेज करना चाह रही थी क्योंकि मेरे बाल बहुत निकल रहे हैं। तो इस ऑयल के बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेने का, फाइनली मैंने ले लिया है। और ये इस तरह का डब्बा में आज ही आया है और ये देखिए अंदर से ये है और पूरा सेंट करके मैं ये पहले था, उसके बाद ये अलग से अप्लायर दिया हुआ है जिसकी वजह से ऐसे करके लगा। मैं पहले ही लगा चुकी हूँ जबकि ये रात में लगाने वाला चीज़ है, मतलब रात में लगाओ फुल नाइट के लिए और सुबह में धो लो। बट ऐसे ही उस टाइम मैं थोड़ा सा अप्लाई करके देखी कि कैसा निकलता है, बहुत तेल निकलता है इससे। तो चलिए मैं बताती हूँ इसके बारे में। सबसे पहले इसकी प्राइस मैं बताती हूँ, जो मुझे मिला है 599 रुपये में। पूरे कंप्लीट जब ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर से मैं एक बार शेयर करने वाली हूँ रिव्यू। फिलहाल मैं यही बताने के लिए मतलब कि वीडियो बना रही हूँ कि अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मेरे हेयर कैसे हैं वो देख लीजिए। तो मतलब बहुत कम बाल हो गया है, बहुत ही कम बाल हो गया। वैसे मेरे बहुत घने बाल नहीं थे कभी से भी, बहुत ज़्यादा एक होता है ना घना मोटा बाल, वो नहीं था। बट जो वॉल्यूम होना चाहिए वो मेरे बाल में नहीं है जिसकी वजह से बहुत बेकार लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। सो अभी आज ही मैंने इसको परचेज किया है और कैसा रिजल्ट देता है, क्या होता है आगे मैं बताऊँगी ज़रूर। और इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, ये बहुत पुराना है, मतलब साल दो साल से तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं साल दो साल से जब से YouTube पे हूँ तब से ही मैं इसके बारे में सुन रही हूँ और YouTube पे ही मैं एक साल से ज़्यादा से हूँ तो तब से मैं सुन रही हूँ। तो बहुत दिन से है और बहुत लोग इसको अप्लाई कर चुके हैं, मैं ही बची थी। और ज़्यादातर लोगों का बाल का प्रॉब्लम होता ही है तो लोग सोचता है जो अच्छा हो, बट हाँ मुझे थोड़ा इसका प्राइस ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पता नहीं अच्छा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। और इतना ज़्यादा प्राइस, मतलब लोग ये सोचते हैं कि इतना ज़्यादा प्राइस है तो अच्छा होगा, मैं भी यही सोच रही हूँ क्योंकि मामाअर्थ जो ब्रांड है सुना है कि अच्छा है, प्राइस भी ज़्यादा है। तो देखती हूँ इसका कैसा होता है। और ये देखिए इसका इस तरह से देखिए तीन होल है, इधर से जाएगा तेल और इधर से निकलेगा और फिर आराम से हम ऐसे करके लगा सकते हैं। ये इस तरह से ऐसे अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में। ये देखिए पहले ही मैं लगा चुकी हूँ, मतलब जिस टाइम आया ना उसी टाइम मैं अप्लाई करके देखी थी। तो इस तरह से आराम से लगा सकते हैं। वैसे होता है ना कि ऑयल यूज करने के लिए किसी को बोलना पड़ता है कि तुम लगा दो तुम लगा दो, इसमें वो चीज़ नहीं होगा, ये आप जब चाहो खुद से यूज कर सकते हो। तो इस तरह से लग दीजिए, जब अप्लाई करना है तो ये लगा लीजिए या फिर ये लगा करके ही छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे भी रखना हो। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोलने वाली हूँ क्योंकि कुछ ही दिन बाद, मतलब कुछ ही दिन बाद कहने का मतलब एक महीने बाद ही मेरा दूसरा वीडियो आएगा और फिर उसमें मैं अगर बुराई करने लगी या फिर अच्छाई करने लगी जो भी बोलूँगी, अभी तो मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी तुरंत ही लिया है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। पिछला वीडियो देखूंगी तो इसमें इतना ज़्यादा मतलब कि भर भर के अच्छा कमेंट रहेगा मेरी तरफ से और बाद में अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ज़्यादातर लोगों का मैं अच्छा ही मतलब सुनी हूँ YouTube पे ही, ज़्यादातर लोगों का अच्छा ही सुनी हूँ। तो लेने के बाद चार हफ्ते के बाद अच्छा रिजल्ट आता है, मतलब कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पहला बार में थोड़ा सा हेयर फॉल होता है, सेकेंड बार में थोड़ा ज़्यादा होता है, थर्ड बार में थोड़ा कम होता है और फोर्थ टाइम जब करते हैं तो पूरा ख़त्म हो जाता है, ऐसा भी सुनने को मिला है। मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं हेयर फॉल होने तक मतलब वेट करूं कि पहला बार इतना हुआ या चलो नेक्स्ट टाइम इतना ज़्यादा होगा, मतलब इतना भी मेरे में पेशेंस नहीं है। तो डर लग रहा है कि हेयर फॉल होगा तो और कितना होगा जब ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब कैसा रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आज से मेरा ये स्टार्ट हुआ है, आज से ये यूज करना स्टार्ट करूँगी। अगले एक महीने बाद में फिर जब बताऊँगी तो पता नहीं कैसा होगा। सो अगर आप लोग भी यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए और मेरा इंतज़ार कीजिए कि मैं इसका कैसा मतलब कि रिव्यू लेकर के आती हूँ एक महीना बाद, अच्छा या बुरा। एक महीना यूज करने के बाद मैं क्या बोल रही हूँ उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि इतना कॉस्टली है, मतलब 600 रुपया का बस इतना छोटा बॉटल है तेल का, देख सकते हैं आप।
600 रुपया में इतना, और अगर अच्छा यूज मतलब अच्छा ना हो, यूज में ना आए तो फिर बेकार ही है। तेल है, इसको बाल में ही लगा सकते हैं, और किसी यूज में तो होगा नहीं, और जब खुद का जब फायदा नहीं होगा तो किसी को दे भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए बस थोड़ा दिन वेट कीजिए, मैं एक महीने बाद फिर से आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा है ये ममार्थ अनियन हेयर ऑयल। और मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे लेना पड़ा, नहीं तो मैं लेना नहीं चाह रही थी। क्योंकि होता है ना, किसी के बाल में सूट करता है, किसी के बाल में नहीं भी सूट करता है। तो हर तरह का चीज़ अप्लाई नहीं करना चाहिए अपने बालों में, चाहे कितना भी झड़ रहा है। पैरासूट जो होता है ना, पैरासूट या पैरासूट जो भी बोलते हैं, जो नारियल का तेल होता है वो अच्छा होता है, वो सदियों से चला आ रहा है। तो वो मतलब आप लगा सकते हो, बाल झड़ रहा है या नहीं झड़ रहा है। और अगर अगर आपके साथ कुछ मतलब कि बाल ज़्यादा झड़ रहा है तो आप कुछ भी नहीं यूज करो, और सरसों का तेल यूज करो तो वो खराबी नहीं करेगा। अगर फ़ायदा हो या ना हो, होता ही है, बट मतलब बाल उस पर बैड इफेक्ट नहीं होगा। बट हमारे साथ ये होता है कि हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, मतलब उसका स्मेल नहीं अच्छा लगता। और हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गई जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे स्मेल से बहुत प्रॉब्लम है। मतलब कुछ भी अगर बुरा स्मेल है, कुछ भी गंदा स्मेल है ना, तो अगर 10 लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो सबसे पहले मुझे वो स्मेल आएगी। मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है स्मेल से। और इस ऑयल के साथ भी ये प्रॉब्लम है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मतलब हो गया है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना गंदा स्मेल होगा। पता नहीं आप लोगों में से या किसी और को लगे या ना लगे, मुझे कुछ ज़्यादा ही मतलब स्मेल होता है। तो जैसे ही मैंने यूज किया ना, जैसे ही लगाया इस तेल को, उसके बाद से मेरा वोमिटिंग करने जैसा मन हो रहा है। मतलब वो अभी नहीं हो रहा है, जिस टाइम लगाई थी उससे 1-1.5 घंटा तक ज़्यादा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि तुरंत जाके बाल फिर से धो लूँ, बट नहा के पूजा करके खाने का टाइम था और उसी टाइम इतना स्मेल हो रहा था। बहुत ज़्यादा बुरा स्मेल मुझे लग रहा था। बट मुझे, मैं पहले बता रही हूँ ना कि मुझे थोड़ा स्मेल से ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे ज़्यादा। हाँ, वाव का जो अनियन हेयर ऑयल है ना, उससे इसका ज़्यादा स्मेल गंदा है। वाव का थोड़ा सा कम था, वो इतना ज़्यादा स्मेल नहीं कर रहा था, बट मामा अर्थ का जो है वो थोड़ा ज़्यादा गंदा स्मेल है। मुझे पसंद नहीं आया इसका स्मेल बिल्कुल भी। पता नहीं मैं कैसे लगा के रहूँगी, लगा पाऊँगी या फिर 1-2 बार लगाने के बाद छोड़ दूँगी, ये भी मुझे नहीं पता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वेट कीजिएगा मेरा अगला वीडियो का इसका। तब तक के लिए बाय बाय।